पूरी एनिमल फिल्म में इन्हें इतनी ज्यादा मेहनत सीन को एडिट करने में नहीं लगी होगी जितनी रणबीर कपूर की चेस्ट पर बालों को लाने में लगी है। कहीं पर वे सारे गले के नीचे आ जाते हैं तो कभी कभी इनकी छाती पूरी प्लेन दिखाई देती है। गजब की एडिटिंग की है भाई इन्होंने। लड़ने से पहले इनकी शर्ट के बटन पूरी तरह से बंद थे, लेकिन जैसे ही दोनों लड़ने लगते हैं इसने एटीट्यूड में बटन को ऐसे खोल दिया जैसे कि वो कभी शर्ट में थे ही नहीं। भाई अच्छा अंदाज है बटन खोलने का भी और तोड़ने का भी। कुछ भी, हमारी परछाई अलग अलग एंगल से दिख सकती है, ये बात हमें एनिमल फिल्म से पता चली। अब इन दोनों को ही देख लो, ये लड़ कहां रहे हैं और इनके शैडो कहां पर पड़ रही है, और भाई इसके लेटे हुए इतने पीछे से शैडो बन रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस बंदे के नीचे भी कोई और बंदा लेटा हुआ है, मतलब साफ नजर आ रहा है कि ये बंदा ग्रीन स्क्रीन पर लेटा हुआ है। थोड़ा एडिटिंग में भी हाथ हिला ले भाई ताकि अच्छे से एडिटिंग हो जाए। पैसा बर्बाद बहन चोद। इस फिल्म में विजय गीतांजलि को प्राइवेट जेट में लेकर जाता है और फिर जेट को इतना ऊंचा उड़ाता है कि रात से दिन हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अभी तक इसका फ्यूल खत्म क्यों नहीं हुआ। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या, जेट में बैठे हुए विजय टूथपेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसके ब्रश पर तो कोई पेस्ट लगा ही नहीं है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी भाई कि जो बिना पेस्ट के ब्रश करना पड़ रहा है इन्हें। लेकिन इसके अगले सीन में ये ब्रश को हाथ में लेकर गीतांजलि को प्लेन चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो हाथ ऊपर करके बताते हैं तो ब्रश अचानक गायब हो जाता है। मैजिक, ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है, सब गायब। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का पूरी फिल्म में अलग ही प्यार चलता है। अब पता नहीं चलता कि ये बोल क्या रही है, भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि इसने अपने मुंह में सुपारी लेकर बोला है, तभी तो किसी के कुछ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। क्या बात है सर, क्या फिल्म में रणबीर और रश्मिका को इस रोल में दिखाया गया है कि ये दूर दूर रहे तो जुदाई और पास रहे तो लड़ाई। मतलब आपने इन दोनों को खुश तो बहुत कम देखा होगा, ये दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। अब भाई सच सच बताना कि किस किस को ये लगा कि इस फिल्म में रश्मिका ब्लाइंड रोल कर रही है। और अब शुरू हुआ फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट, जहां पर रणविजय खून खराबे पर उतर जाता है। ये इन मास्क मैन को कुल्हाड़े से मारता है, लेकिन जैसे ही ये इस आदमी को ऊपर उठाता है आधा कुल्हाड़ा गायब हो जाता है। मतलब ये इसे टूटे हुए कुल्हाड़े से पीट रहा था शायद। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब नीचे कोई कुल्हाड़ा है ही नहीं तो ये बंदा दीवार से लगकर ऊपर उठा कैसे है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पर विजय और उसके साथी इस पूरे डब्बे को तोड़कर मशीन गन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही विजय भैया इस डब्बे के पास खड़े होते हैं तो ये डब्बा उनके शोल्डर तक आता है। जैसे तैसे करके मशीन गन को बाहर निकालते हैं, पर ये क्या, अब तो ये मशीन गन इतनी बड़ी हो गई कि विजय भैया तो दिखाई ही नहीं दे रहे। तो भाई डब्बे में से क्या निकाला इन्होंने, या खाली डब्बे को ही तोड़ रहे थे ये लोग। प्लेन से नीचे उतरते हुए आपने गीतांजलि के फेस पर एक अलग सी खुशी देखी होगी। मैं तो सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा जो इतनी मुस्कुरा रही है, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो भैया ने उसे जूते ही पहनाए थे तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एनिमल फिल्म में रणबीर भैया गीतांजलि से इतना प्यार करते हैं कि इन्हें ठंड भी नहीं लग रही है। कैसे दोनों गर्मी वाले कपड़ों में बर्फ वाली जगह पर खड़े हैं और बर्फ को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने कभी बर्फ देखी ही ना हो। ये कर लो पहले। खैर जो भी हो, आपको एनिमल फिल्म कैसी लगी? क्या आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।